Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. The remedy for today is Agaricus muscarius. Friends, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा निमोनिक जिसकी हेल्प से आप Agaricus muscarius के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स याद रख सकते हो. सो फ्रेंड्स, Agaricus muscarius में जो टर्म muscarius है, दैट इज द निमोनिक ऑफ टुडे जिसकी हेल्प से आप Agaricus को याद रख सकते हो. सो muscarius में M रिप्रेजेंट करता है मोशन कॉजेस पेन. सो जो Agaricus का पेशेंट होता है उसमें स्लाइट मोशन भी होता है, वो पेन कॉज करता है. U रिप्रेजेंट्स अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट. सो जो Agaricus का जो पेशेंट होता है इसमें सारी कंप्लेंट्स होती है वो डायगोनली अपीयर होती हैं. सो कुछ कंप्लेंट्स जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट के साइड जाती है, दैट इज द डायगोनल अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेंट्स. सो दिस इज सीन इन द केस ऑफ Agaricus muscarius. बेसिकली ये पेन के लिए ये बात लिखी गई है. मूविंग ऑन, S represents sexual debauches causing nervous prostration. Sexual abuses की वजह से कई बार patients में nervous prostration देखने को मिल सकता है. Prostration is weakness or debility. C represents complaints appear diagonally, जो कि मैं आपको already बता चुकी हूँ. So these both points are explanatory to each other. Moving on, A represents all over burning. जो Agaricus का पेशेंट होता है उसकी ऑल ओवर बॉडी में हमें बर्निंग की कंडीशन देखने को मिलती है. मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ज्यादातर पार्ट्स में बर्निंग देखने को मिल सकती है. मूविंग ऑन, आर रिप्रेजेंट्स रेड हॉट एंड सोलन पार्ट्स. सो जो पार्ट्स होते हैं वो रेड होते हैं, हॉट होते हैं एंड सोलन होते हैं. सो दीज बोथ पॉइंट्स आर ऑल्सो एक्सप्लेनेटरी टू ईच अदर. मूविंग ऑन, I represents involuntary movements when awake. Friends, Agaricus का जो patient होता है, इसमें chorea की complaint हमें देखने को मिलती है. जब तक person जो होता है, वो awake होता है, that means उठा हुआ होता है, हमें इसकी body में कुछ involuntary movements देखने को मिल सकते हैं. But as soon as he falls asleep, वो सारे movements बंद हो जाते हैं. So I represents involuntary movements when awake. Moving on, U represents uterine prolapse with intolerable pain. जो patient होता है Agaricus muscarius का, उसमें हमें uterine prolapse देखने को मिलता है intolerable pain के साथ. That means prolapse of uterus can be seen in the case of females. So this is again a very important point. Moving on, S represents spinal irritation on least touch. Friends, Agaricus muscarius is a very important remedy that is related to spinal troubles or spinal irritation, जिसकी वजह से कई बार pain या फिर epilepsy जैसी problem भी हमें देखने को मिल सकती है. So these are the points जिसकी help से आप Agaricus muscarius को याद रख सकते हो. मैंने कोशिश की है जितने भी important points हैं उन्हें cover करने की. अगर मैं कुछ important points की बात करूं तो upper left और ये जो कंप्लेंट्स डायगोनली अपीयर हो रहे हैं, जो स्पाइनल इरिटेशन है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस रेमेडी को दूसरी रेमेडी से डिफरेंशिएट करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आप चाहते हो कि मैं